हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो कल हम लोगों ने अपना जो चैप्टर नंबर 5th जेंडर था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, जेंडर हमने कल कंप्लीट कर लिया था। सो हमारे चैप्टर 1st to 5th कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 1st से अगेन रिवीजन करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 1st से रिवीजन करेंगे। ओके, सो पहले ये देखते हैं हम लोगों ने कौन कौन से चैप्टर कर लिए। ठीक है, पहले ये देखते हैं हम लोगों ने कौन कौन से चैप्टर कर लिए। सो कौन कौन से कर लिए, सेंटेंस, ठीक है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, नाउंस कॉमन एंड प्रॉपर, नाउंस सिंगुलर एंड प्लूरल, एंड 5th जो कि हमने कल कंप्लीट किया था, कौन सा था, जेंडर। ठीक है, कौन सा था, जेंडर। सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस। सेंटेंस क्या होते हैं बेटा, सेंटेंस एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिस जो एक प्रॉपर मैनर में अरेंज होता है एंड जिसका एक प्रॉपर मीन निकलता है, एक प्रॉपर सेंस जिसका होता है। ठीक है, वो क्या होता है, सेंटेंस। कि व्हेन ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर अरेंज इन सच ए मैनर दैट इट मेक्स कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। कि जब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक साथ में अरेंज किया जाता है एक प्रॉपर मैनर में अरेंज किया जाता है और जिसका एक कंप्लीट मीनिंग निकलता है, जिसका एक प्रॉपर सेंस होता है, वो क्या होते हैं बेटा, सेंटेंस होते हैं। क्या होते हैं, सेंटेंस होते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया था कि ये सेंटेंस हमेशा किससे स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और एंड किससे होता है, कोई मार्क से, जैसे फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क से। ठीक है, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होता है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। फिर हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस देखे। ठीक है, जिसमें हमने 3 टाइप ऑफ सेंटेंसेस स्टडी किए थे। ठीक है, 3 टाइप कौन कौन से स्टडी किए थे, असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, कौन कौन से स्टडी किए, असर्टिव सेंटेंसेस, ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस कौन से होते हैं, वो सेंटेंस जिसमें या तो कोई साइंटिफिक फैक्ट बताया होता है, ठीक है, या तो कोई साइंटिफिक फैक्ट बताया हुआ होता है, या कोई स्टेटमेंट दिया जाता है, ठीक है, या फिर किसी के बारे में कुछ एक्सप्रेस किया जाता है, या फिर अपनी थिंकिंग या थॉट बताई जाती है, वो सेंटेंसेस कौन से होते हैं बेटा, असर्टिव सेंटेंसेस। कौन से सेंटेंस होते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस। ठीक है, कौन से होते हैं असर्टिव सेंटेंस, जिसमें कोई थॉट, कोई एक्सप्रेशन या फिर हमारी थिंकिंग, ठीक है, या फिर ये बताए जाते हैं, या फिर स्टेटमेंट बताया जाता है, ठीक है, या फिर कोई फैक्ट बताया जाता है। ठीक है, तो ये किसमें आते हैं बेटा, ये सेंटेंस कौन से होते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस। ठीक है, फिर असर्टिव सेंटेंसेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, असर्टिव सेंटेंसेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है अफर्मेटिव एंड सेकंड नेगेटिव। ठीक है, फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंसेस एंड सेकंड है नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि इनमें पॉजिटिव मीनिंग मिलता है, हमें इनमें ना या नहीं ऐसा आंसर नहीं मिलता है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है, क्योंकि हमें इनमें पॉजिटिव आंसर मिलता है। ठीक है, सेकंड होता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा नो, नॉट, नेवर ऐसे कुछ वर्ड्स का यूज होता है, नो या नॉट,
चिकन, ऐसे वर्ड्स का यूज होता है. तो कौन से सेंटेंस होते हैं वो? नेगेटिव सेंटेंस. चिकन. सो असर्टिव सेंटेंस पहले हमने क्या देखा? सेंटेंस. सेंटेंस के टू पार्ट्स, सेंटेंस के थ्री पार्ट्स. कौन कौन से? असर्टिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी. ठीक है, हमने असर्टिव स्टडी किया. ठीक है, असर्टिव में हमने असर्टिव के टू पार्ट स्टडी किए. कौन कौन सा? अफर्मेटिव एंड नेगेटिव. अफर्मेटिव को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं क्योंकि इनमें पॉजिटिव आंसर मिलता है. एंड नेगेटिव सेंटेंसेस में हमें नो या नॉट का मीन मिलता है. ठीक है, ओके. देन नेक्स्ट, इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं. ठीक है, या तो कोई हमसे क्वेश्चन पूछेगा या हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछेंगे. ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस हमेशा डब्ल्यू एच वर्ड या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं. ठीक है, या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे या डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होंगे. ठीक है, और एंड किस से होंगे? क्वेश्चन पूछ रहे हैं. ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो किससे एंड होंगे? क्वेश्चन मार्क से. ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो किससे एंड होंगे बेटा? क्वेश्चन मार्क से एंड होंगे. ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम हमेशा किसी से क्वेश्चन पूछते हैं या कोई हमसे क्वेश्चन पूछता है. ठीक है, स्टार्ट डब्ल्यू एच वर्ड या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं. ठीक है, और ये हमेशा इन सेंटेंसेस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है. ठीक है, फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं? जो जिसमें हमारी सडन फीलिंग्स, थिंकिंग्स, इमोशंस ये सारे शो किए जाते हैं. जैसे हुर्रे, अलास, वाव, जिसमें हम किसी को कुछ ब्लेस करते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, मे गॉड ब्लेस यू. ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस कौन से होते हैं बेटा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. ठीक है, ये सेंटेंस, इनमें मतलब आपको एक साइन दिखाई देता है जो कि इस तरह से, मतलब कह सकते हैं अपोजिट आई, उल्टा आई बोल सकते हैं. ठीक है, ये साइन कौन सा होता है? एक्सक्लेमेशन मार्क. ये देखने को मिलता है आपको इनमें. ठीक है, क्या देखने को मिलता है? एक्सक्लेमेशन मार्क. ठीक है, देन हम लोगों ने अपना जो चैप्टर की एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट की. ठीक है, फिर सेकंड चैप्टर, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट. सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट. सब्जेक्ट क्या होते हैं? सेंटेंस में जिसके बारे में बताया जाता है, सेंटेंस में जिसके बारे में बताया जाता है वो होता है सब्जेक्ट. एंड जो बताया जाता है वो क्या होता है? प्रीडिकेट. एक सब्जेक्ट में जिसके बारे में बताया जाता है वो होता है सब्जेक्ट, जो बताया जाता है वो होता है प्रीडिकेट. ठीक है, या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि सेंटेंस में जिसके बारे में कहा जाता है वो सब्जेक्ट होता है, बाकी का जो रिमेनिंग सेंटेंस जो बचता है सब्जेक्ट के अलावा, जो रिमेनिंग सेंटेंस बचता है वो क्या होता है? प्रीडिकेट होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, द चिल्ड्रेन आर राइटिंग. बच्चे लिख रहे हैं. द चिल्ड्रेन कौन लिख रहे हैं? बच्चे लिख रहे हैं. बच्चे लिख रहे हैं मतलब बच्चों के बारे में बताया हुआ है. तो द चिल्ड्रेन क्या है? सब्जेक्ट. ठीक है, क्या है? सब्जेक्ट. बाकी का रिमेनिंग सेंटेंस या जो वर्क किया जा रहा है वो क्या होता है? प्रीडिकेट. क्या होता है? प्रीडिकेट. ठीक है, ओके. सो एंड देन हम लोगों ने हमारे इस चैप्टर की जो एक्सरसाइजेस थी वो हम लोगों ने कंप्लीट की. ठीक है, आज हमने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर का रिवीजन किया. ठीक है, कल क्या करेंगे? नाउंस कॉमन एंड प्रॉपर, नाउंस सिंगुलर एंड प्लूरल, एंड जेंडर. ठीक है, इन तीनों टॉपिक्स का रिवीजन करेंगे. ओके, प्रॉब्लम हो चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड सेकंड में तो पूछ लेना फिर से. ओके, बाय.